गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक रहस्यमय नदी बहती थी। इस नदी के बारे में सदियों से एक पुरानी कहावत चली आ रही थी, जो भी इस नदी में अपना प्रेम ढूंढने आएगा उसे कुछ खोना पड़ेगा। लोग इस कहावत को लेकर हमेशा चुप रहते थे, क्योंकि कोई भी उस नदी की गहराई को जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक युवक आदित्य नदी के किनारे उदास बैठा था। हाल ही में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता का सामना किया था और अब उसके पास न कोई दिशा थी न कोई उम्मीद। आदित्य अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी उसकी नज़र नदी के उस पार एक अनजान लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम माया था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जिसे देख आदित्य पहली ही नज़र में मंत्रमुग्ध हो गया। आदित्य और माया का मिलना अब रोज की बात हो गई थी। वे हर दिन नदी के किनारे मिलते और घंटों बातें करते। माया की हंसी आदित्य के जीवन की सारी चिंताओं को दूर कर देती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम की डोर बनने लगी। माया आदित्य के लिए एक रहस्य थी, पर उसकी हर बात, उसकी हर मुस्कान आदित्य को अपनी ओर खींचती जाती थी। मगर माया के दिल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे वह आदित्य को बताने से डरती थी। एक दिन माया ने आदित्य से कहा, कल मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊंगी जो शायद तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। आदित्य को माया की बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन जब वह नदी के पास पहुंचा, माया के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, आदित्य, मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं इस नदी की आत्मा हूँ। सदियों से मैं इस नदी से बंधी हुई हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है, पर इसके लिए तुम्हें एक बड़ा त्याग करना होगा। आदित्य का दिल धड़कने लगा। वह माया से बहुत प्रेम करता था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने माया से पूछा, क्या त्याग करना होगा? माया ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगर तुम इस नदी के पास रहोगे तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, मुझे तुम्हारे प्रेम से मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम मुझे अपनी यादों में ही पा सकोगे। आदित्य यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक कठिन निर्णय था, या तो वह माया के साथ रहकर उसे कभी नहीं देख पाएगा, या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़कर उसकी आत्मा को मुक्त कर देगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदित्य ने माया का हाथ थामते हुए कहा, अगर मेरे जाने से तुम्हें शांति मिलती है तो मैं यही करूँगा। माया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कोई शब्द नहीं कहे। अगले दिन आदित्य ने अपना सामान बांध लिया और गांव से बहुत दूर निकल पड़ा। उसने माया को अपनी यादों में बसाकर जीवन का सफर तय करने का फैसला किया। माया की छवि हमेशा उसके दिल में रही और वह कभी कभी उस रहस्यमय नदी के पास आकर बैठ जाता। उसे लगता कि माया अब भी उसे देख रही है, उसकी उपस्थिति महसूस हो रही है। कहते हैं, जब रात में नदी के किनारे हल्की हल्की लहरों की आवाज आती है तो वो आदित्य और माया के अनंत प्रेम की गूंज होती है। उनका प्रेम अमर हो गया क्योंकि वह त्याग में था, एक ऐसा त्याग जिसने प्रेम को अमर बना दिया था। सच्चा प्रेम त्याग में होता है। कभी कभी किसी की खुशी के लिए उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। आदित्य और माया का प्रेम यही सिखाता है। अगर आपको एक कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।